हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। दिस इज ए इंग्लिश ग्रामर बुक ऑफ क्लास अर्थ एंड इट्स फर्स्ट चैप्टर इज टेंस। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टुडे आई शैल टीच यू प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहले देखेंगे इसकी पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे हम कि कोई भी टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका चुकी चुके के साथ हैं हूँ हो आता है। जैसे चुका है, चुकी है, चुके, ऐसे आएगा, या आई ए के साथ हैं हूँ हो। फर्स्ट देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, इन दोनों में से एक लगेगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर कोई वर्ड है। तो पूरे परफेक्ट में स्टूडेंट्स वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे, पूरे परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। एग्जाम्पल देखते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। वह घर जा चुका है, देखिए यहाँ चुका है आया है, तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे वह घर गया है, ये दोनों को जब हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो दोनों का एक ही होगा, इसलिए मैं दोनों टाइप के सेंटेंस लिख दिया हूँ, चुका है या फिर गया है। तो इसको चेंज करते हैं, जैसे अब सब्जेक्ट क्या है, वह, तो ही हो जाएगा ही, उसके बाद हैज या हैव मिस लगता है, तो हैज किसके साथ लगता है, हैज लगेगा आपके ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ आपका हैज लगेगा, और वो हैव, हैव आपका लगेगा यू आई वी दे और प्यूरल नाउन के साथ आपका हैव लगेगा। तो यहाँ पे क्या ही सिंगुलर है, तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज। अब यहाँ वर्ब क्या है, जाना, तो गो होता है, अब गो का थर्ड फॉर्म परफेक्ट है तो गो का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, ही हैज गॉन टू, गॉन टू होम। या होम मत लिखिएगा स्टूडेंट्स, आप लोग हाउस लिखिएगा, होम के पहले टू नहीं लगता है, टू लिखेंगे तो हाउस लिखिए, अगर होम लिखते हैं तो टू मत लिखिए। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसका रूल क्या है, बस नॉट ऐड हो जाएगा, सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर कोई वर्ड है। एज एग्जांपल, जैसे वह खाना नहीं खाया है, अब यहाँ नहीं आ गया है तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ही के साथ हैज, ही हैज नॉट, अब खाया, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, तो ही हैज नॉट ईटेन फूड। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। फर्स्ट रूल क्या है, जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले ही आ जाता है तो सबसे पहले है। देखो स्टूडेंट, सभी टेंस का बनाने का रूल एक ही तरह होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में अंतर होता है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में। इससे पहले मैंने जो प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया था उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वहाँ का हेल्पिंग वर्ब पहले लग जा रहा था, प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू डज पहले लग रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव, हैज हैव पहले लग जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कोई अदर वर्ड है। सभी टेंस के रूल लगभग एक जैसे होते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस आएगा आपका, फिर वर्ब का प्रयोग कैसे होता है वर्ब में, बाकी सभी एक ही जैसे होंगे, बनाने का रूल सबका एक जैसा है। इससे पहले जो भी पढ़े थे उसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले लग रहा था, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले लग रहा है। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं, क्या वह गाना गा चुकी है, क्या यहाँ पहले आ गया है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज है, तो वह के साथ हैज लगता है, तो हैज, उसके बाद सी,
क्योंकि गर्ल्स है तो सी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो सिंग का थर्ड फॉर्म संग, तो हैज सी संग ए सॉन्ग। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड पहले से, वह कहाँ गई है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। आगे अब कहाँ बीच में आया है तो सबसे पहले वेयर लिख देंगे, वेयर, उसके बाद वह के साथ हैज, वेयर हैज सी गॉन। नेक्स्ट अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टूडेंट, ये जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाए थे वैसे ही है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइमिंग दी रहेगी, कोई काम कब से हो रहा है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लोग पढ़ते थे कि वह पढ़ रहा है, अब ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब मैं वह पढ़ रहा है, अब मैं कहूँगा 2 बजे से पढ़ रहा है या 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसका रूल क्या है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव में से एक लगाएंगे, उसके बाद बीन या हैज बीन, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा हैज बीन या फिर हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, उसके बाद वर्ब में है आई एन जी। स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि जहाँ भी कंटिन्यूअस आता है वहाँ वर्ब में आई एन जी जरूर ऐड होगा, तो हैज हैव, हैज बीन या हैव बीन के बाद वर्ब में आई एन जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फार लगाते हैं यहाँ पे, सिंस या फार टाइमिंग के लिए। अब सिंस किसके लिए लगाएंगे, सिंस निश्चित टाइम के लिए लगाएंगे और फार अनिश्चित टाइम के लिए लगाएंगे, जैसे 2 बजे से, 2 बजे तो ये क्या हो जाएगा निश्चित टाइम, तो यहाँ इसके लिए सिंस लगाएंगे, सिंस 2 o'clock। अब यहाँ 2 घंटे रहता 2 घंटे से, तो घंटा निश्चित टाइम हो जाएगा तो फार लगाएंगे। अभी मैं एग्जांपल जब बताऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। स्टूडेंट्स एग्जांपल देखते हैं, वे 3 घंटे से खेल रहे हैं, वे 3 घंटे से खेल रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट वे के इस दे हो गया, अब दे के साथ हैव लगेगा तो दे हैव बीन, दे हैव बीन, और यहाँ वर्ब क्या है खेलना तो प्ले, तो आई एन जी जुड़ जाएगा, दे हैव बीन प्लेइंग, अब 3 घंटे से, तो 3 घंटे अनिश्चित टाइम होगा, हो जाएगा, तो अनिश्चित टाइम की क्या लगता है फार, तो फार 3 hours। अब यहाँ रहता 3 बजे से खेल रहे हैं तो ये निश्चित टाइम हो जाता, तब यहाँ हम क्या लिख देते हैं सिंस 3 o'clock। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इसमें नॉट जुड़ जाएगा, रूल क्या है सब्जेक्ट उसके बाद हैज या हैव में से, फिर हैज बीन या हैव बीन लिखते थे, उसके बीन लिखने से पहले हम लोग निगेटिव सेंटेंस में नॉट लिखेंगे, सब्जेक्ट या हैज या हैव फिर नॉट फिर बीन, उसके बाद वर्ब, उसके बाद आई एन जी वर्ब में, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फार, फिर टाइमिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जैसे वह 3 बजे से नहीं सो रही है, वह 3 बजे से नहीं सो रही है, अब इसको चेंज करेंगे तो वह गर्ल्स के लिए है तो सी हो गया, तो सी के साथ हैज, तो सी हैज फिर नहीं है निगेटिव, तो नॉट, सी हैज नॉट फिर बीन लिखेंगे, सी हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock, या 3 बजे निश्चित टाइम है इसलिए सिंस लिखेंगे, सिंस 3 o'clock। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, अब यहाँ हैज या हैव पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, बीन हम लोग सब्जेक्ट लिखने के बाद लिखेंगे, बीन कब आएगा सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद वर्ब में आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइमिंग सिंस फॉर लगान, सिंस फॉर के बाद। अब एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह 2 घंटे से लिख रहा है, यहाँ क्या आया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं बनती है, तो क्या लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब पहले, अब यहाँ वह है तो वह के साथ क्या लगेगा पहले
हैज, तो हैज ही, उसके बाद बीन, एन छूट गया है, हैज ही बीन, लिखना का राइट, तो राइटिंग, हैज ही बीन राइटिंग। अब यहां 2 घंटे से है, 2 घंटे निश्चित टाइम हो जाएगा, तो क्या लगेगा, फार, फार 2 hours, तो हैज ही बीन राइटिंग फार 2 hours। स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग सम सेंटेंस रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको आप लोग घर पे बनाएंगे, ये SW है आप लोग का। जैसे फर्स्ट है, चिड़िया आसमान में उड़ चुकी हैं। क्या रेखा खाना बना चुकी है? बच्चे तीन बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या सीता 2 बजे से गाना गा रही है? हम लोग 1 महीने से स्कूल नहीं जा रहे हैं। स्टूडेंट, प्रेजेंट टेंस हैज फिनिश्ड, इन माय नेक्स्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन पास्ट टेंस। थैंक यू।